आपकी TSP टीम ने पूरा यहाँ ट्रैफिक का नियमों का पालन करवाने किया है, आपका आगे भी रहेगा। अब इस महीने नवंबर माह ट्रैफिक यातायात माह चल रहा है, तो उसके अंतर्गत TI फर्स्ट इन्फॉर्मेशन फंड द्वारा आग्रह किया गया ट्रैफिक सपोर्ट टीम के साथ में एक यातायात जागरूकता अभियान चलाना है, जिसमें कि सड़क पर चलते हुए वाहन चालकों को नियमों के बारे में जानकारी देना का आग्रह करना, क्योंकि पहले जो नियम चल रहे थे उसमें काफ़ी बदलाव आ गया है। अब से टू व्हीलर के लिए भी पिछली सवारी को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य है, तो इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, दो हेलमेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए गए और इसके अंदर TI 3rd श्री सतीश रॉय भी उपस्थित रहे। आपने पैम्फलेट के माध्यम से भी आज जागरूकता वाहन टॉपिक से चलाया है, आगे भी आप लोग किस एरियाज में या किस अलग अलग जो भीड़भाड़ वाले इलाके होते हैं उसमें भी आप लोग जाके जागरूकता अभियान को चलाएंगे? बिल्कुल, हिस्सा है। अभी हमने शुक्रवार को ही पहले हरिपर्वत पे ये काम किया था, हरिपर्वत शाम के टाइम एक रैली निकाली थी जिसमें चलते हुए वाहन चालकों प्लस रेड लाइट पर रुकने वाले वाहन चालकों को अपने पैम्फलेट्स के द्वारा जागरूक करने की कोशिश करती, फिर उसका स्पीड कलर लेकर भी हमारे द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कि ट्रैफिक सपोर्ट टीम के सभी मेंबर उपस्थित रहे थे और उनका सहयोग हमेशा से साथ में रहा है और कोशिश करते हैं पुलिस को जितना ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस को जितना सहयोग दे सकें देते हैं, हम लोग कोशिश यही हमारी। माना जाता है कि आगरा एक ऐसा हाल है ट्रैफिक की समस्याओं से आज भी मतलब अभी तक क्लियर नहीं हो पाता टोमेटिक ट्रैफिक की समस्या, इसमें आप लोग अपने तरीके से क्या एक मुहिम छेड़ना चाहते हैं या आगे जनता को क्या एक संदेश देना चाहते हैं आपके ट्रैफिक सपोर्टिंग का गठन इसी पर्पज से किया गया है कि लोगों को यातायात की जानकारी दी जाए, नियमों की जानकारी दी जाए और लोगों को जागरूक किया जाए, क्योंकि पहले हेलमेट लगाना है कंपल्सरी था लेकिन लोग यूज़ नहीं करते थे उसका, तो नियम में बदलाव आने का उसका हुआ है। प्लस हमारी टीम लोगों से ये आग्रह करती है कि नियमों का पालन करें, क्योंकि जाम जनरली पब्लिक की गलती से ही लगता है और यदि हम उस गलती को छोटी गलती को अवॉइड करेंगे तो जाम की पोजिशन नहीं आएगी। और हमारे शुरू से राय कि हम लोगों ने पब्लिक के सहयोग के साथ ही काम करा है, तो आगे भी चाहते हैं कि पब्लिक हमें सपोर्ट करें, उन्हीं के लिए उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, तो ये पूरी टीम का हमारा मकसद होता है। जहाँ जाम लगने की कोशिश होती है तो आज हम पूछते हैं, जैसे आज भगवान टॉकीज का भी बस खराब हो गई है तो उसमें जाम लग रहा है, रेत के अंदर फंस गई है, तो हम उसमें ट्रैफिक को पूरा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम अमर राजावत है। भगवान टॉकीज पे आपकी पूरी टीम ने ट्रैफिक सपोर्ट टीम ने पूरा सहयोग किया, अपना क्या कहना आज भगवान टॉकीज पर ये यातायात पुलिस का जो सप्ताह चल रहा है इसके अंतर्गत हम लोगों का आज ये कार्यक्रम रखा गया था, इसमें लोगों को जागरूक किया गया था। आगरा में देखा जा रहा है कि 90% लोग तो हेलमेट पहन रहे हैं लेकिन 10% जो नहीं पहन रहे हैं उनको भी कोशिश की जा रही है कि हेलमेट पहनाया जाए, और उसके बाद जो ज़रूरी किया गया है कि दुर्घटना ड्राइवर के साथ और पीछे बैठने वाले साथ दोनों के साथ हो सकती है, तो कोशिश की जा रही है कि जो पीछे वाला राइडर है जो बैठा हुआ है पीछे वो भी हेलमेट लगाए, चाहे उस पर दो लोग चल रहे हैं सिंगल, लेकिन हेलमेट का योग दोनों लोग यूज़ करें, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आगे और आप लोग जनता के साथ क्या जागरूकता अभियान अपने चलाएंगे और किस तरीके से जनता को आप अपनी अपील करेंगे कि आपके साथ जुड़े और ट्रैफिक की समस्या को आगरा को जो मेन एक हब कहा जाता है जो मेन में सुरक्षित एरिया से जैसे आज जवान टॉपिक पर आपने अपने अभियान चलाया आगे लोगों को क्या हम लोगों से केवल यही अपील करते हैं कि रोड पर जो चलना है लोगों को अपने रास्ते चलें। एक तो जो लोग रॉन्ग साइड आते हैं सबसे ज़्यादा जाम लगने का जो कारण है वो रॉन्ग साइड आने वालों से होता है, जल्दबाजी में होता है, तो सभी लोगों से अपील करते हैं कि आप 2 मिनट का सब्र कीजिए, जो रास्ते निकलने के लिए डाइवर्ट किए गए वहीं से निकलिए, अगर रॉन्ग साइड से निकलेंगे तो जाम में आप भी फंसेंगे और उसके साथ में पूरी जनता परेशान होगी।